आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला आज के विशेष जो बात है वो बात है किसान की। आपने देखा बेमौसमी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा बरसात हुई और दो दिन रुकी फिर बरसात और किसान का आज बहुत बुरा हाल है। अगर आप गेहूं की फसल की बात करोगे तो गेहूं की फसल तकरीबन 80% की औसत तो है जो खराब होगी, लेकिन सरकार जो पोर्टल की बात करता है पोर्टल बार बार बंद हो है और बड़े किसानों के बार बार फोन आते हैं कि जी फलाना गांव का पोर्टल पर, जैसे जक्सी का, गढ़वाल, नाणा, बहुत सारे गांव हैं जो उनके पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चल रहे। एक तो विशेषकर सरकार से कहना चाहूँगा कि आप पोर्टल की बात ना करके, आपके पास सेटेलाइट भी है, जब जीरी की फसल आवा है तो जब आप कहीं अगर कोई किसान पराली जलाने का काम करता है तो आप सेटेलाइट के द्वारा उस खेत को बता देते हो कि इस खेत में पराल जलाई जा रही है, तो आपने पोर्टल की जरूरत कहाँ पड़ेगी। आप सेटेलाइट द्वारा भी आप उसकी उठा सकते हो किसान की भाई कहाँ कहाँ फसल खराब है, और फिर सेटेलाइट नहीं तो आपके पास सरकारी महकमा है, आपके पास पटवारी है, गिरदावर है, तहसीलदार है, SDM है, आप मौके पर भेज गए सरकार की जो फसल की गिरदौरारी कराएं, जिससे किसान का जो नुकसान है गेहूँ का, मारा गया किसान, कर्ज में भी डूब गया और फिर फसल खराब होगी। और मेरे तो ये कहना है कि आप पोर्टल की बात ना करके आप प्रशासन द्वारा भेज के अधिकारियों को उसकी गिरदारी कराएं, ताकि किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। मैंने विधानसभा में भी कहा था, गिरदावरी ने पीछे जीरी का टाइम था जब भी करवाई थी, पीछे क्यों था जब भी करवाई, मैंने विधानसभा में बोला था गिरदावरी खाली गिरदावरी करा के किसान को ये नहीं कहना, अगर गिरदारी होगी उसका जो नुकसान है वो भरपाई करें, ताकि किसान भी अपनी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और किसान को उसकी राहत मिले। आप किसान को बहकाने की बात ना करें, किसान इस देश का, इस प्रदेश का अन्नदाता है। अगर किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा आप विकास की बात कर ही नहीं सकते। आप जब विकास की बात करें, जब खुशहाली की बात करेंगे, जब किसान खुश होगा। लेकिन DC नहीं कहाँ किया आप, ये जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की जो शिकायतें हैं, इनको दूर करो ना आप। पोर्टल की आप एक बात, पोर्टल की कहाँ जरूरत है, सेटेलाइट जब इनकी अग्नि नहीं जड़े, जब वो बता दें फलाना किला में आग लग रही है, तो पोर्टल की कहाँ जरूरत है। आप निष्पक्ष भाव से जो आप होते ना, एक नियत होती है, एक नीति होती है, नियत साफ करके सरकार और नीति से ही अपना के किसान की जो नुकसान है उसका भरपाई करें, बहकाने का काम न करें। पोर्टल की बात मत करो आप, पोर्टल की क्या बात है इसमें। DC साहब की आपने बात करी, SDM साहब की आपने बात करी, मैं अगर वो आए तो मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अधिकारी उनके पास, हर गांव का पटवारी है, हर गांव का गिरदावर है, आप उनसे इंक्वायरी करा लो। आपका ना पोर्टल पर भरोसा कर रही, ना आप सेटेलाइट पर भरोसा कर रही, दोनों छोड़ दो आप, आप ग्राउंड पर जाकर गिरदारी करा के किसान का नुकसान की भरपाई करो आप। देखिए 500 रुपये चाहिए, जिस खेत में 50 मन 60 मन का किला एकड़ के जमीन किला एकड़ में गेहूँ होना था, आज उस समय 10 मन 15 मन की एकड़ की औसत आएगी। आप देखना ऐसा भय है मेरे को तो, अब शायद लोगों को खाने के लिए गेहूँ भी नहीं मिलेगा, इतना बुरा हाल है। कहाँ से लेके आएगा किसान, कहाँ से खाएगा किसान, कि कैसे पेट भरेगा देश का, प्रदेश का। लेकिन सरकार आंख भी बंद करे है, कर रही है, और कान भी। मैं सरकार को कहना चाहूँगा आँख खोल के, कान खोल के किसान की सुन के, किसान की सुने और किसान का जो नुकसान उसकी भरपाई करे। देखिए ये सब कहना बड़ा आसान है, जब आप हुड्डा साहब की बात करोगे, हुड्डा साहब के टाइम में ना कोई पोर्टल था, ना कोई सैटेलाइट थी, वो तो ग्राउंड पे जाके सर्वे करा कर दे, और किसानों का जो नुकसान हुआ हुड्डा साहब के टाइम में, ना कोई किसान आंदोलन हुआ। आपने देखा 10 साल का हुड्डा साहब का रास्ता, कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, कोई कर्मचारी आंदोलन नहीं हुआ, कोई गरीब आंदोलन नहीं हुआ, अगर कोई छोटा मोटा आंदोलन भी हुआ तो हुड्डा साहब ने बैठ के बातचीत करके तुरंत सुलझाया।
अगर किसान ने गन्ने की बात करेंगे हम, जब हुड्डा साहब का राज था जब 110 रुपये क्विंटल था, जब हुड्डा साहब का 10 साल का राज हुआ तो 350 रुपये क्विंटल किसान का गन्ने के भाव देने की बात करी। गेहूँ की बात देखो आप, क्या भाव था जब हुड्डा साहब की सरकार थी और जब गए जब 1450-1500 का भाव छूट गया। इन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं बढ़ाया। किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, छोटा दुकानदार और कर्मचारी पूरा इस सरकार से हर वर्ग त्रस्त है और हर वर्ग तंग है। अगर कोई भी अपनी मांग उठाता है, एक बात जरूर मिलती है, लठ मिलते हैं उनको, चाहे कर्मचारी ने आवाज़ उठाई, चाहे किसान ने, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, जो हमारी महिलाएं हैं, मातृ शक्ति है, उनको ऊपर भी पानी की बौछार करके लठ मारने का काम किया। सरकार तो एक घमंड में चूर है और सरकार का अगर मैं कहूँ जो हरियाणवी भाषा में नहीं, तो मुँह ऊपर हो रहा है, ये सुन ही नहीं रही किसी का भी। मुख्यमंत्री अब याद आ गई, एक साल सरकार इलेक्शन का बाकी है, गांव गांव जाने से लग रहे हैं और गांव गांव में दो तीन दिन से गांव में आप देखना कि कहीं भी नहीं जाएंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा, बहकाने का काम नहीं चलेगा। काम करने से काम होगा, विकास करने से विकास होगा। जब आप रोजगार दोगे जब रोजगार मिलेगा। ऐसे पोर्टल पर रोजगार देने की बात करते हैं, बताओ 1.5 लाख वैकेंसी खाली है हरियाणा प्रदेश में। युवा जो आज बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश एक नंबर है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे राजधानी के और फिर भी हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में एक नंबर है। 1.5 लाख सरकारी वैकेंसी खाली है, कोई सरकारी वैकेंसी नहीं काट रही। अगर कोई भी रोजगार की बात करे तो पोर्टल की बात करें, अभी वो भी कौशल रोजगार के तहत लगाएंगे। सरकार की ना नीयत ठीक है ना नीति ठीक है।